गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा आनंद ब्लॉग। तो अभी तो मैं उठ गई थी 7 बजे, आज मैं सो के उठी क्योंकि रात में जन्माष्टमी की पूजा की, इसलिए लेट हो गया जगने में। और उसके बाद मैं नीचे गई, झाड़ू वगैरह मैंने लगाया, काफ़ी टाइम हो गया था। बाबूजी को चाय वगैरह भी दे दी मैंने बना के। अब मैं कपड़े अपने लिए निकाल के रखी हूँ, बस नहाने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नहा के, फिर कृष्ण भगवान के आपको दर्शन करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और कपड़े वगैरह भी मैंने अब धुल दिए हैं सारे, और अब चलेंगे फटाफट नीचे, करेंगे पूजा और आपको करवाती हूँ अपने लड्डू गोपाल के दर्शन। तो सबसे पहले मैं खोलूँगी अपने मंदिर के पट, तो देख सकते हैं रात में मैंने पूजा की है और दोनों लड्डू गोपाल बहुत ही अच्छे से बैठे हुए हैं। एक लोग झूले पे हैं और एक लोग जो है वो अपने तख्त पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ सुबह की पूजा और दीपक जला दिया है मैंने, फूलों से भगवान जी को सजाया है। मम्मी ढेर सारे फूल लाई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अच्छे से फूलों से भगवान जी को सजाऊं। देख सकते हैं फूलों से सजे हुए भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है चाय गर्म करना। सैंडविच मैंने बना लिए हैं तो अब फटाफट चाय निकालेंगे और करेंगे सुबह का नाश्ता। तो मैंने अपना सैंडविच भी ले लिया है और मैं फटाफट खाऊंगी, उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह करके मैं ऊपर आ गई थी और अभी बज रहे हैं 11:30। अब जाऊंगी नीचे, नीचे जाके खाना बनाना है। तो चलते हैं नीचे और मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, नीचे मैं आ चुकी हूँ और मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है सब्ज़ी। तो मैं आलू लोबिया की रसेदार सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी मैं अच्छे से भूनूंगी और इसमें रसा डालूंगी। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी तो बन गई है, अब मैं फटाफट रोटियां सेकना स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले मैं गाय के लिए रोटी बनाऊंगी, उसके बाद जो है बाकी की रोटियां बनाऊंगी। तो मैंने आटा दो तरह का साना है, एक मैंने साना है गेहूं का आटा और एक मैंने साना है जुंदरी का आटा। अगर आप लोग जानते हो तो जुंदरी बहुत फ़ायदा करती है घुटने के दर्द के लिए, तो पापा जुंदरी की रोटी खाते हैं तो उनके लिए मैं जुंदरी की रोटी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे खाना बनाने के बाद। वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रही है ज़ोरदार बारिश, तो काफ़ी भीग गया है चारों तरफ से, बारिश से पानी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, खाना खा के मैं आ चुकी हूँ ऊपर और आप लोग सोच रहे होंगे इस लड़की ने दो बिंदी क्यों लगाई है। तो मैंने दो बिंदी इसलिए लगाई है, मम्मी एक बिंदी लेके आई थी पूजा से तो मैंने उसी के ऊपर लगा ली है। तो पूजा में आज गई थी, लड्डू वाली पूजा जो होती है संकटा की, वही खाने गई थी। तो मेरे लिए भी बिंदी और एक रेड कलर की चूड़ी आपको दिख रही होगी, दोनों हाथों में मैंने एक एक पहनी है, ये चूड़ी मिली थी। तो फ्रेंड्स, मैं नीचे आ चुकी हूँ, मैं सो गई थी थोड़ी देर फिर अभी आई हूँ और यहाँ पे मैं काट रही हूँ बाबूजी के लिए सेब। तो आते ही मैंने सबसे पहले काम यही किया कि बाबूजी को मैं सेब छील के और काट के दे देती हूँ। तो ये रात में जो प्रसाद चढ़ाया था वही वाला सेब है और इसी को मैं अभी बाबूजी को देने वाली हूँ। इसमें नमक नहीं डालूंगी क्योंकि ये प्रसाद का सेब है। तो मैं फटाफट काट के लटका देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, सेब मैंने बाबूजी का नीचे लटका दिया है, वो खा रहे हैं। तब तक मैं इधर धुल लेती हूँ बर्तन और उधर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो दूध जैसे ही गर्म होगा मैं चाय बनाऊँगी। तो फटाफट पहले मैं ये बर्तन मांज लेती हूँ, दोपहर में मैंने नहीं मांजा था, बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैंने सोचा कि अभी रख देती हूँ, शाम को मांज लूँगी। तो फटाफट एक तरफ दूध मैंने चढ़ा ही दिया है तो मैंने सोचा इधर बर्तन भी मैं धुलती रहूँ। तो इधर मैंने चाय का सारा सामान डाल दिया है इसमें, तो चाय बस उबल ही चुकी है, अब लटकाना है बाबूजी को। इधर बर्तन धुले हुए हैं पूरे, मैं उनको सेट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर मैं बना रही हूँ रात का खाना। अब तो खाने में बन रही है तरोई और आलू की सब्ज़ी, और सब्ज़ी हो गई है, अब मैं फटाफट रोटियां सेकना स्टार्ट करूंगी। तो रोटी बन रही है ये जुंदरी के आटे की, तो कुछ ही रोटी बची हुई है बनाने के लिए, बाकी मैंने बना ली है गेहूं के आटे की। तो मैं इस छिल्ली पे पहले जो है रोटी बना ले रही हूं, इसमें आसानी हो रही, नहीं तो ये जो है चकले पर चिपक जा रही है। तो ये बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है रोटी, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलती हूँ खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, खाना खा के मैं आ चुकी हूँ ऊपर
और आज का ब्लॉग अब हम यहीं एंड करेंगे, कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।